मेरे पास आ गया Xiaomi 11i Hi-Fi चार्ज। आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद और एक बॉक्स जिसके अंदर सिम रिजेक्टर पिन और इसके अलावा कुछ मैनुअल गाइड बुक जो कि कोई नहीं पढ़ते हैं, और एक कीप्यू केस जिसका क्वालिटी मैं कहूँगी ठीक ठाक है लेकिन कुछ दिन के बाद पीला पड़ जाएगा, और यह है डिवाइस, इसको साइड में रख दो। और यहाँ पे आपको 120 वाट का एडाप्टर मिलता है और इसके अलावा टाइप सी केबल। तो चलिए आप डिवाइस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। डिजाइन मुझे काफ़ी बढ़िया सा दिखाई दिया, प्रीमियम सा डिजाइन के साथ स्मार्टफोन आता है, लेकिन कैसेस वगैरह आ जाते हैं बैक केस लगा के यूज़ करना। कैमरा का डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया सा है और काफ़ी डिजाइन के साथ स्मार्टफोन आने वाला है, बहुत अच्छा फिट देता है स्मार्टफोन। और कैमरा का बम भी थोड़ा बाहर है, अगर आपने बैक केस लगा के यूज़ कर तो कैमरा का बम भी बाहर नहीं दिखाई देगा। नीचे की तरफ जाते हो तो स्पीकर, सेकेंडरी माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे सिम स्लॉट। राइट साइड की तरफ पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन। ऊपर की तरफ जाते तो यहाँ पे 3.5mm हेडफोन जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन, आयर ब्लास्टर और यहाँ पे स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड की तरफ कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंच फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया सा मिलता है, जो कलर वगैरह सैचुरेशन वगैरह काफ़ी बढ़िया सा, जो एमोलेड डिस्प्ले का क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा मिलने वाला है। वीडियो क्वालिटी देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वालिटी मुझे इसके अंदर दिखाई दिया। और यहाँ पे मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जब मैंने स्मार्टफोन को यूज़ वगैरह किया था, स्कॉलिंग वगैरह किया था, वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया, और स्मार्टफोन को आउटडोर में यूज़ करने के बाद ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। और बैटरी के बारे में बात करें तो 4500 mAh की पावरफुल बैटरी मिलता है और इसके अलावा 120 वाट का फास्ट चार्जर। लेकिन दोस्तों Xiaomi दावा करता है 15 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा, मैंने जब चार्जिंग टेस्ट किया था 24 मिनट लग गया था, और बैटरी गेन भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो बैटरी बैकअप इतना बेकार भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो 15 मिनट के अंदर स्मार्टफोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं होने वाला है। और स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें तो जो कि स्मार्टफोन का हाईलाइट फीचर्स है, डायमंडसिटी 920 चिपसेट मिलता है जो कि 5G चिपसेट है, 6nm का चिपसेट है। 4 लाख के ऊपर इसका अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया सा है और यहाँ पे आप हाई सेटिंग के अंदर VGMI गेम को प्ले कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत बढ़िया सा मिलने वाला है। मैं जब इसके अंदर गेम वगैरह प्ले किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया था, हीट वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया सा मिला था। गेम प्ले करने के टाइम हीट वगैरह इशू वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बहुत जल्दी इसका VGMI बैटरी गेम टेस्ट आने वाला है, उसके लिए भी आप ज़रूर इंतज़ार कर सकते हो। ऐप्स ओपनिंग काफ़ी फास्ट था, जब मैंने ऐप्स वगैरह ओपन किया था बहुत जल्दी जल्दी ओपन कर पाया था, और रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया सा था। जो सारे ऐप्स को मैंने ओपन किया था, सारे के सारे ऐप्स रैम के अंदर था, तो ऐप्स ओपनिंग एंड रैम मैनेजमेंट दोनों काफ़ी बढ़िया सा। व्हाइट A1 का सपोर्ट भी स्मार्टफोन के अंदर मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी फास्ट है। मैंने यहाँ पे टैप करूँ देख सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी ओपन हो रहा है और सार वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कैमरे के बारे में बात करें तो बैक साइड में 108 MP का मेन सेंसर, सेल्फी के अंदर 16 MP का सेल्फी कैमरा। तो चलिए मैं कुछ आप लोग को इसका कैमरा का पिक्चर क्वालिटी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है कैमरा के लिए इतना बेकार नहीं होने वाला है। स्मार्टफोन डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, 120 वाट का एडाप्टर मिल रहा है और गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, लेकिन कैमरा क्वालिटी इतना बेकार नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा आपको इसी प्राइस के अंदर। और भी बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा इससे बेकार मिल जाएगा। और प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस है 27,000 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको परचेस किया 24,000 रुपीज़। इसी प्राइस के अंदर अगर आपने गेमिंग के लिए एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो और ये पे डिजाइन बेकार लेना चाहते हो, डिस्प्ले अच्छा लेना चाहते हो, तो स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर आपने 120 वाट का एडाप्टर के साथ स्मार्टफोन लेना चाहते हो, मैं कहूँगी स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसे भी आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।